बुधवार को दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज में हुए टीएमसीपी और एबीवीपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प के कारण कॉलेज के आसपास का इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बता दें कि शिक्षक नियुक्ति घोटाले के खिलाफ एबीवीपी की तरफ से जुलूस निकाला गया था। इस दौरान एबीवीपी और टीएमसीपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज के पास का इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। एबीवीपी के समर्थकों का दावा है कि इस विवाद में 10 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं और इस दौरान फोटो और बाइक्स में तोड़फोड़ भी की गई है। घटना के कारण क्षेत्र में तनाव का माहौल है। इस घटना की खबर पाकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी अभिषेक गुप्ता, एसीपी तथागत पांडे भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कॉम्बैट फोर्स भी उतारा। কেস করে পুলিশের সামনে পড়বেন আমরা ডিসপ্যাচ করে দিলাম আমরা ডিসপ্যাচ করে দিতে গেছি পড়বেন না ওরা বাইরে বাইরে চলে আমরা তো আছি আমরা তো আছি আমরা তো চলে স্যার ওদেরই স্যার ওদেরই ছেলে স্যার আমাদের যে শিক্ষা দুর্নীতি হচ্ছে ওইটা এসএসসি স্ক্যাম দিয়ে আমরা যখন স্টুডেন্ট আছি তো আমরা স্টুডেন্টের হকের জন্য কথা বলবো। स्टूडेंट लोग के लिए आज हम लोग रोड में उतरे थे। हम लोग का विरोध प्रदर्शन करते ही हमने यहाँ शुरू किए। वहाँ से तृणमूल का दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज से वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन कम से कम 200 लड़का आकर के हम लोग 20 से ऊपर कार्यकर्ता को मारा है। चार लोग अभी हम लोग हॉस्पिटलाइज है। यहाँ तक की आम पब्लिक को मारा गया है। हम लोग का दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज के टीएमसी का यूनियन लोग और यहाँ के लोकल लोग हमारे प्रोग्राम को इस संबंध में टीएमसीपी के दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिट के अध्यक्ष शुभ्र ज्योति मजुमदार ने कहा कि बुधवार को कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी। उसी समय एबीवीपी के कार्यकर्ता माइक बजाकर जुलूस निकाल रहे थे। जब उनसे शांतिपूर्ण तरीके से माइक बंद करने के लिए कहा गया तो एबीवीपी के कार्यकर्ता उनसे उलझ गए और टीएमसीपी समर्थकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। দেখুন সংঘর্ষটা পরিকল্পিত তখন কোনোভাবেই নয়, আমরা জানতামও না। তো আমাদের কলেজে আজকে পরীক্ষা চলছে সেকেন্ড সেমিস্টারের মূলত, আর আমরা এখানে 29 আগস্টের প্রস্তুতির জন্য সমস্ত কাজকর্ম চলছে। তো ওরা দেখলাম জোরে জোরে চিৎকার করে মাইক বাজিয়ে কলেজের মধ্যে থেকে যাচ্ছে। এটা রুলসে আছে যে এক্সামের টাইমে 100 মিটারের অবধি কোনো মাইক বাজানো যায় না। আমরা ভদ্রভাবে ওদেরকে গিয়ে বলি যে তোমরা মাইকটা বন্ধ করো এবং শান্তভাবে পেরিয়ে যাও, তোমরা তোমাদের মিছিল করতে পারো, অসুবিধা নেই। এই কথার মধ্যে ওরা প্রথমে জানা যায় না আমরা মিছিলে মাইক ফাইক বন্ধ করবো না, গাছ বাড়ি দেখায়। আমরা তবুও রিকোয়েস্ট করি না মাইকটা বন্ধ করে তোমরা যাও। তারপরে সরকারের নামে গালিগালাজ করছে, আমাদের ছেলেদেরকে দিয়ে গালিগালাজ করছে। তো আলটিমেটলি ওদের মধ্যে 3 জন ছিল যারা এগিয়ে এসে আমাদের 2টি ছেলের গায়ে হাত দেয়, যার ফলে এই এর গায়ে হাত দেয়, এই হাতে মারে, আর আরেকটি ছেলে আছে তাকে মারে, ভিতরে আছে একে মারে, যার ফলে আজকে হঠাৎ করে সংঘর্ষটা শুরু হয়। মানে এর বাইরে আর কিছুই না। যদি এই ধরনের ঘটনা ওরা না ঘটতো কখনোই এটা হতো না, কারণ আমরাই চাই যে সব রাজনৈতিক দল নিজে নিজে কাজ করতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।
WBSSC यानी शिक्षक नियुक्ति घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के मामले को लेकर भाजपा लगातार बंगाल में सत्ता दल पर आक्रमण कर रही है। भाजपा इस मुद्दे को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से भुनना चाह रही है। इसी के तहत बुधवार को आसनसोल जिला भाजपा कमेटी के द्वारा BNR स्थित रविन्द्र भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष दिलीप दे, पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, तापस राय, ओम नारायण, आसनसोल दक्षिण की MLA अग्निमित्रा पॉल, आशा शर्मा समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। जितेंद्र तिवारी ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक स्तर पर ही टक्कर देगी। उन्होंने दावा किया कि समय निश्चित नहीं है, लेकिन भाजपा सत्ता में जरूर आएगी, लेकिन शिक्षक नियुक्ति घोटाले ने बंगाल की गरिमा पर जो कालिख पोत दी है, इस क्षति को पूर्ति करने में काफी समय लगेगा। शिक्षक नियुक्ति घोटाले में सिर्फ पैसे का घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि बंगाल की गरिमा और भविष्य के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। तो चोर धरो जेल भरो हमरा करे दिला किंतु जेले तो স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি থাকতে হবে, তাই আগে জেল নতুন তৈরি করো, তার জন্য আমার মনে হয় একটা কর্মসূচি নেওয়ার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গে নতুন জেলার প্রয়োজন নেই, নতুন জেলের প্রয়োজন আছে, তার জন্য মনে হয় আগামী দিনে আমাদেরকে আন্দোলন করতে হবে। অনেকে বলছেন, আমাদের পিয়ুষ দা পার্থ চট্টোপাধ্যায় জি কথা বলছিলেন, আমাদের ন্যাশনাল কাউন্সিলের আরো মেম্বার আমাদের তাপস দা বিস্তারিতভাবে বললেন পার্থদা নিয়ে, কিন্তু আমি বলবো যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই যে ঘটনা, এটা কোনোভাবেই বাঙালি হিসাবে, বাংলার বঙ্গ সন্তান হিসাবে আমাদের কাছে গর্বের জিনিস হতে পারে না। আমরা এর জন্য খুব আনন্দিত না, তৃণমূলকে পরাজিত করার জন্য এই ধরনের ঘৃণিত ঘটনাকে নিয়ে আমরা পরাজিত করব এমন ভাবনার কোনো কারণ নেই। রাজনৈতিকভাবেই আমরা তৃণমূলকে পরাস্ত করব, আমাদের দর্শনকে ছড়িয়ে দিয়ে, আমাদের দর্শনের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করে আমরা তৃণমূলকে পরাজিত করতে পারব। কিন্তু পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বা ইদানিং কয়েকটা যে ঘটনা ঘটেছে, এর ফলে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বাংলার যে একটা সম্মান ছিল, বাংলার শিক্ষিত সমাজের মানুষকে যেভাবে মানুষ সম্মানে নজর দেখত, সেটা আজ কালিমালিপ্ত হয়েছে। আপনি বিহার চলে যান, আপনি উত্তরপ্রদেশ চলে যান, আপনি মধ্যপ্রদেশ চলে যান, আপনি যে কোনো রাজ্যেই যান না কেন, আপনি যদি একবার বলেন যে আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি এবং পশ্চিমবঙ্গে আমি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, অন্যান্য রাজ্যের মানুষ বাংলার মানুষকে একটা সম্মানের নজর দেখত। ইভেন আপনারা ট্রেনে দেখেছেন, ট্রেনে যদি অন্য রাজ্যে যেছেন, যদি একবার জানতে পেরেছে আপনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন, শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষ একটা আপনাকে জায়গা করে দেয়, এই বেঙ্গল সে আইন কো বেঠনে কা জায়গা দিয়ে পড়া লিখা। তো আজ আমাদের যে চিন্তার কারণ, এই যে বাংলার শিক্ষিত সমাজে যে ইমেজ ছিল সারা দেশ জুড়ে, সেই ইমেজ কিন্তু আজ নষ্ট হয়ে গেল। হয়তো ক্ষমতায় আমরা চলে আসবো, ক্ষমতায় আমরা কখন আসবো সে এক্সাক্ট টাইম আমরা বলতে পারবো না, হয়তো ছ মাসের মধ্যে আমরা ক্ষমতায় চলে আসতে পারি, এক বছরের মধ্যে চলে আসতে পারি, দু বছরের মধ্যে ক্ষমতায় চলে আসতে পারি, ক্ষমতায় আসা আর একটা জিনিস, কিন্তু এই যে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল ক্ষমতায় আসার পরেও আমাদের কয়েক বছর লেগে যাবে, বাংলার ইমেজ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে নষ্ট হয়েছে, বাংলার শিক্ষিত সমাজকে মানুষ যে সন্দেহের চোখে দেখছে, এই যে ক্ষতি আমাদের হয়ে গেল, সেই ক্ষতি রিপেয়ার করতে BJP-র 2-3 বছর সময় লেগে যাবে, তার জন্য আমরা দুঃখিত। ভারত মে ইন দিনো বিপক্ষ के लिए परावर्तन निदेशालय यानी ईडी गर्मा गर्म राजनीतिक मुद्दा बन गया है और वजह भी वाजिब है। जो भी इन जांच एजेंसियों के आका रहे हैं वे बखूबी वाकिफ हैं कि सत्तारूढ़ सरकार के लिए राजनीतिक बदला भंजाने में वे काफी काम आ सकती है। हालांकि राजनीतिक दायरे में ईडी की सख्त कार्रवाइयों पर काफी गर्मी है, जिस पर उसके पीड़ित आतंक राज फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अनुभवी आंखें गौर करें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने राजनीतिक हितों, कारोबारी तथा उद्योग जगत के हितों के बीच तगड़ी साठगांठ और इन दोनों ताकतवर ताकतों के लिए जोड़ तोड़ करने के लिए तैयार अफसरशाही की रीढ़ तोड़कर रख दी है। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। इसी क्रम में आसनसोल डाकघर के ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले कर्मचारी हड़ताल पर थे। इस संदर्भ में ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन के डिवीजन सेक्रेटरी ग्रुप सी के कनकेंदु सेन ने बताया कि आज 20 सूत्री मांगों के समर्थन में पूरे देश में ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन और FNPO द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था,
लेकिन किन्हीं कारणों से अन्य संगठन ने हड़ताल से पांव वापस खींच लिए। लेकिन ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन अपने हड़ताल के निर्णय पर अडिग रहा। बुधवार को पूरे देश में लगभग 80% डाक कर्मचारी हड़ताल पर थे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार पोस्टल डिपार्टमेंट को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रच रही है, यह हड़ताल उसी के खिलाफ बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि न सिर्फ रजिस्ट्री पार्सल जैसे विभागों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है, इसके अलावा वर्ष 1882 से अब तक लगभग 10,66,000 करोड़ रुपए इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक को सौंपने की तैयारी की जा रही है, यह हड़ताल उसके भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर डाक सेवा को निजी हाथों में सौंपने नहीं दिया जाएगा। আমাদের 20 দফা দাবি নিয়ে আমাদের এক দিনের ধর্মঘট হচ্ছে। সেই 20 দফার দাবির মধ্যে মূল যেটা আমাদের দাবি হলো সেটা হলো আমাদের পোস্ট অফিস প্রাইভেটাইজেশন করা চলবে না। পোস্ট অফিসকে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পনা করেছে যে প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য একটা চক্রান্ত করছে, তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই ধর্মঘট। আপনারা যে এই ধর্মঘটে আজ সারাদিন কী কী কর্মসূচি নিয়েছেন? সারাদিন আমাদের কর্মসূচি মানে আমরা এখানে আমাদের প্রত্যেকটা হেড অফিসে, আমাদের আসানসোল ডিভিশনে 3টি হেড অফিস আছে, আসানসোল হেড অফিস, রানিগঞ্জ হেড অফিস এবং দুর্গাপুর হেড অফিস। এই হেড অফিসগুলোতে আমরা এখানে অবস্থান করছি এবং এই অবস্থান আমরা বিকাল পর্যন্ত করব। বিকালে আমাদের 5টা পর্যন্ত হবে, তারপরে আমরা যে যার মতো যাবো এবং আগামীকাল আমাদের যেরকম ডিউটি সেরকম আমরা অফিস করব। आसमान को छूती महंगाई, बेरोजगारी और विपक्ष के अनुसार अंग्रेजों की नीति को लेकर चलने वाले फूट डालो और शासन करो की मोदी सरकार के विरोध में पश्चिम बर्धमान जिला राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा 9 अगस्त से भारत जोड़ो पदयात्रा चितरंजन से आरंभ की गई है। यह यात्रा पूर्वी बर्धमान के बुधबुद में 12 अगस्त को समाप्त होगी। मंगलवार को यह यात्रा आसनसोल पहुंची और बुधवार को कांग्रेस समर्थकों ने बुधबुद के लिए कूच किया। इस मौके पर आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट शाह आलम ने कहा कि जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 80 साल पहले 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था, उसी प्रकार जिस तरह से बीजेपी सरकार भारत को तोड़ने का काम कर रही है उसके खिलाफ आम लोगों को जोड़ने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारत की जनता कांग्रेस के हक में मतदान करेगी और देश बीजेपी मुक्त होगा। 9 अगस्त को महात्मा पिता 1942 साल में यानी 80 साल पहले ये आवाज दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो हमारे पार्टी के हमारे लीडर राहुल गांधी ने ये आवाज़ दी है कि भारत जोड़ो। हम लोग आम आदमी को भी जोड़ रहे हैं ताकि बीजेपी जो बैठी है महंगाई के खिलाफ में आम आदमी भी जुड़े और आने वाला 2024 में बीजेपी सरकार को गद्दी से उखाड़ कर फेंका जाए। बीजेपी जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई है आज उसके लिए हम लोग भारत जोड़ो पद यात्रा हम लोग चितरंजन से हमारे जिला में बुधबुद तक के लिए हम लोग रवाना हुए। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। इफ यू आर अ फूडी एंड वांट टू स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, देन वेलकम टू द पेपरी। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो एंड स्विगी एट होम। दी पेपरी, ग्राउंड फ्लोर ऑफ सेंट्रल मॉल, ऑपोजिट बिग बाजार, आसनसोल।